आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मॉडल पेपर सेट 1 एसएसटी है या सामाजिक विज्ञान देखेंगे। सेट 1 है क्लास 10 का। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा घ नंबर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। दो नंबर है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो दो का आंसर हो जाएगा क नंबर रूसो। थ्री नंबर देखेंगे, थ्री का जो आंसर हो जाएगा वो ख नंबर हो जाएगा, थ्री का मेजीना। चार नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फोर नंबर का जो आंसर इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था, चार नंबर का आंसर होगा ख नंबर 1861। पांच नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा क नंबर प्रसा। छः नंबर क्वेश्चंस का उत्तर हो जाएगा क नंबर छः का क नंबर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सात नंबर क्वेश्चन उसका आंसर हो जाएगा ख नंबर महात्मा गांधी, सात का आंसर। आठ नंबर जो क्वेश्चन है आठ का आंसर जो होगा आठ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग नंबर बाल गंगाधर तिलक। नाइन नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा नाइन नंबर का घ नंबर आंसर होगा महात्मा गांधी। दस नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, और ग्यारह नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा क नंबर। बारह नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ख नंबर बारह का अधिक सिंचाई। तेरह नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा क नंबर 1992 ईस्वी। चौदह नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा चौदह नंबर का आंसर घ नंबर होगा राजस्थान। पंद्रह नंबर जो क्वेश्चन है उसका नंबर ये कंफर्म नहीं है दोस्तों, इसमें क भी हो सकता है और ग नंबर भी हो सकता है, आप इसे अपने तरीके से चेक कर लीजिएगा या आप अपने स्कूल के टीचर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क भी हो सकता है ग भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं, इसलिए दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन ये कन्फर्म है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सोलह नंबर जो आंसर है उसका नंबर हो जाएगा सोलह का ख नंबर होगा आंसर वर्ड 973। सत्रह नंबर जो क्वेश्चन है सत्रह का आंसर हो जाएगा सत्रह का हो जाएगा घ नंबर इनमें से सभी। अठारह नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 18 का, इसमें से कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो होगा 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए होज खास का निर्माण करवाया था। यहाँ पे ये जो चारों ऑप्शन दिए चारों ऑप्शन गलत है, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा खिलजी, ये आंसर होना चाहिए इसका खिलजी। ठीक है, जो आंसर 18 में दिया हुआ नहीं है। और 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 19 का जो आंसर हो जाएगा 19 का होगा घ नंबर आंसर हो जाएगा गोदावरी। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ग नंबर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। 22 नंबर जो क्वेश्चन है 22 का आंसर हो जाएगा घ नंबर 6000। 23 का जो आंसर हो जाएगा 23 का भी घ नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क नंबर शिशु मृत्यु दर। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ख नंबर प्राथमिक। 26 नंबर जो क्वेश्चन है 26 का आंसर हो जाएगा क नंबर संगठित क्षेत्र। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ग नंबर नरेश और राकेश। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ग नंबर 100। 29 नंबर जो क्वेश्चन है 29 का आंसर हो जाएगा 29 का क नंबर हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ख नंबर दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग नंबर। और 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 32 का जो आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ख नंबर। 33 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 33 का घ नंबर हो जाएगा सिहली। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, 34 नंबर का जो क्वेश्चन है 34 का आंसर हो जाएगा श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना
34 का आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर हो जाएगा 1948। 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। 36 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा क नंबर अरबी। 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा घ नंबर 37 का स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। 38 नंबर जो क्वेश्चन है 38 का आंसर हो जाएगा ख नंबर। 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा घ नंबर 39 का दबाव समूह। और 40 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज है, ये ख भी हो सकता है, ख भी हो सकता है और डी नंबर भी हो सकता है, श्रीलंका। 40 नंबर का कोई टीचर आपको ख बताएंगे, कोई टीचर घ बताएंगे, ठीक है। यह आप इसे आप अपने स्कूल के टीचर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ख और घ दोनों में से कोई एक एक्शन होगा, क्योंकि मैं बता दूंगा ख, कोई बता देगा घ, अगर मैं घ बताऊंगा तो कोई बता देगा ख, तो ये कन्फ्यूज हो जाएगा। इसलिए आप इसे अपने लेवल से चेक कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो टिक लगाइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आएगा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। यदि कोई क्वेश्चन गलत होगा या कुछ इसमें सुधार की ज़रूरत हो तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद सेट टू का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो सेट टू का देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर, ठीक है। चलिए फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।